हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल SRJ कुकिंग पर। सो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ आलू प्याज के भजिया बनाना, एंड हम उसके संग हरी चटनी भी बनाना सिखाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भजिया बनाने के लिए हमको चाहिए बेसन, आलू प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, नमक, हींग, जीरा और लहसुन। तो सबसे पहले हम दो आलू लेंगे एंड हम उसको छील कर एक पानी से भरे हुए बाउल में डाल देंगे। एक से दो बार आलूओं को धोने के बाद फिर हम उनको गोल गोल शेप में काट लेंगे। अब हम एक प्याज लेंगे एंड उसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। अब हम दो हरी मिर्ची लेंगे एंड उनको हम बारीक काट लेंगे। अब हम हरा धनिया लेंगे एंड हम उसको भी बारीक काट लेंगे। सो भजिया के लिए सब चीज़ें कट चुकी हैं, तो अब हम अपनी चटनी के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे धनिया एंड उसमें हम डालेंगे चार लहसुन, फिर हम उसमें दो मिर्ची काट लेंगे, फिर हम उसमें एक टमाटर काट देंगे। अब हम उसमें नमक डालेंगे, फिर हम उसमें जीरा डाल देंगे, देन हम इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम गैस पर कढ़ाई रख लेंगे एंड उसमें हम तेल डालेंगे। जब तक तेल गर्म होता है तब तक आइए हम अपने भजिया के लिए बेसन बना लें। सो हम 250 ग्राम बेसन लेंगे एंड उसमें हम पहले हींग डालेंगे, देन हम जीरा डालेंगे, फिर हम उसमें नमक डाल देंगे एंड हम 1/2 टीस्पून उसमें लाल मिर्च डाल देंगे, फिर हम उसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे एंड हमारे आलू डाल देंगे, फिर हम उसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब हमको उसका घोल बनाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर हम उसको मिक्स करेंगे। ऐसे ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके उसमें डालेंगे एंड हम उसको मिक्स करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हल्का गाढ़ा पेस्ट बन जाने के बाद इस तरह से अब हम उसमें प्याज डाल देंगे। आप सही मात्रा में पेस्ट को रखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अगर आपका पेस्ट सही होगा तो आपके भजिया बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स कर लेने के बाद अब हम अपने भजियाओं को फ्राई करते हैं। अब आप धीरे धीरे उसमें एक एक भजिया डालिए, याद रहिएगा गैस फ्लेम फुल ही रखिएगा। मैं एक बार में 4 से 5 भजिया कढ़ाई में डाल रही हूँ, आप भी डाल सकते हैं अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो। एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाने के बाद फिर आप उनको पलट लीजिए एंड आप याद रखिए जब तक हमारे भजिया हल्के से ब्राउनिश गोल्डन ना हो जाए आप उनको इसी तरीके से पलटते रहिए। तो हमारे भजिया जो हैं अब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो अब आप उनको एक प्लेट में निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं भजिया कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। आप इसको हरी चटनी के संग या फिर केचप के संग भी खा सकते हैं। हमारे भजिया रेडी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।